कोरोना वायरस के बचाव के लिए मास्क पहनना जरूरी है, ऐसा न करने पर चालान का प्रावधान है। मगर टोहाना में पुलिस कर्मियों ने जब एक रेहड़ी वाले को बिना मास्क देखा तो उसे समझाने या फिर उसका चालान काटने की जगह उस पर टूट पड़े। एक आम रेहड़ी वाले पर तीन पहले दो फिर तीन पुलिसकर्मी हावी हो गए और फिर क्या हुआ आप खुद इस वीडियो में देखिए। तो देखा आपने कैसे कानून के रक्षक खुद ही कानून तोड़ने पर उतारू हो गए और एक गरीब आदमी को तीन तीन मिलकर मारपिटाई करते दिखाई दिए। मारपीट का पूरा मामला वहीं पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। वीडियो शहर के डांगरा रोड स्थित लघु सचिवालय के बाहर का बताया जा रहा है, जहां पीड़ित व्यक्ति कोल्ड ड्रिंक की रेहड़ी लगाता है। रेहड़ी चालक के पास एक व्यक्ति और बैठा है जो पुलिस को देखकर चला जाता है। रेहड़ी चालक के पास एसएचओ सुरेंद्र अपने गनमैन के साथ आता है। कुछ समय तक तीनों के बीच बातचीत होती है, लेकिन थोड़ी देर बाद ये बातचीत मारपीट में बदल जाती है। जब एसएचओ से उक्त रेहड़ी चालक संभल में नहीं आता तो कुछ और पुलिसकर्मी भी आ जाते हैं, जिसके बाद एक महिला बीच बचाव के लिए आती है, जिसके बाद पुलिसकर्मी उसे छोड़कर चले जाते हैं। टोहाना से सुशील सिंगला, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।